नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो भी मैं आपको अमेजोन के बारे में ही बता रहा हूँ, अमेजोन फ्लैक्स के बारे में ही। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना, छोटी सी जानकारी है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रही, छोटी सी जानकारी के बारे में है। दोस्तों लास्ट वीडियो भी मैंने आपको जो दी, उसमें मैंने आपको जो परेशानियाँ हो रही हैं अमेजोन फ्लैक्स के अंदर, जो कि सिस्टम के हिसाब से काम शुरू हो गया है, तो उसके बारे में बनाई थी दोस्तों मैंने। तो और अब ये वीडियो मैंने एक छोटी सी इसके लिए बना रहा स्पेशल, वो भी अमेजन प्राइम नाउ के ही है, फ्लैक्स के बारे में ही है। दोस्तों ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो दोस्त राइड करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, तो उनके लिए दोस्तों वीडियो थोड़ी सी इंस्पिरेशन वाली हो सकती है, आप थोड़े से इंस्पायर हो सकते हैं, क्योंकि कंपनी खुद आपको इसके लिए प्रोत्साहित कर रही है और आपको बकायदा उसके लिए मेल भी करती है, मैसेज भी करती है प्रोत्साहन के लिए। और जब आप रेगुलर बने रहेंगे कंपनी के साथ में, काम करते रहेंगे, थोड़ी बहुत परेशानियां हैं धीरे धीरे हैंडल होती रहेंगी। तो दोस्तों उसमें क्या है कि कंपनी आपको कई तरीके के बेनिफिट ऑफर कर सकती है और कई लोगों को मिल भी रहा है। दोस्तों वही चीज़ की मैं बताने के लिए दोस्तों मैंने वीडियो बनाई है, तो पूरा देखना, आपको जानकारी अच्छी लगेगी तो दोस्तों को शेयर जरूर करना वीडियो को, लाइक जरूर करना सर। तो दोस्तों बात की जाए, कभी लास्ट में मैंने पिछले साल दिसंबर से मैंने शुरुआत की थी, मेरी आईडी एक्टिवेट हो गई थी अगस्त सितंबर में पिछले साल, क्योंकि मैं जुलाई के अंदर मैंने अमेजन फ्लैक्स की मैंने आईडी बनाई थी, क्योंकि जून में लॉन्च हुआ था, तो मैं जून में मैंने सब ऑनलाइन प्रोसेस का काम शुरू हुआ था, तो मैं जुलाई के अंदर गया था उनके ऑफिस में, तो मेरी आईडी एक्टिवेट हो गई थी अगस्त के अंदर, मतलब जुलाई लास्ट ईयर अगस्त में अब मेरी आईडी एक्टिवेट हो गई थी पिछले साल। लेकिन काम मैंने शुरुआत की क्या है नवंबर दिसंबर से, और वो भी शुरुआत के अंदर स्लॉट इतने मिल ही नहीं रहे थे, मैं वो इतना समझ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने दो दिन के स्लॉट शुरू में मारे गई तो मेरी तो हालत ख़राब हो गई, क्योंकि मैं सवेरे निकल जाऊँ 6 बजे के चक्कर पर और शाम को 5 बजे 4, कहने मतलब ये है कि 4 घंटे का स्लॉट करने में वो 10 घंटे लग रहे थे, क्योंकि पैकेट ज़्यादा मिलते थे और अभी भी मिलता है डॉटिंग के स्लॉट, ऐसे चक्कर में लिए मैं पकड़ता नहीं। तो दोस्तों शुरुआत करने तो मेरे को ये दिक्कत हुई, उसके बाद फिर नए साल से मैंने प्राइम नाउ के जब स्लॉट मारने शुरू किए, तो उसमें मुझे थोड़ा सा राहत महसूस होने लगी और अच्छा भी लगा कि हाँ भाई ये कम मिल रहा है, वेट है भारी है, लेकिन चलो भारी को झेल लेंगे, लेकिन टाइम पर पूरा हो पा रहा है, यही बहुत अच्छी बात है। और उससे क्या है कि उत्साह और ज़्यादा मन में आया, मैं रेगुलर करता रहा, उसके बाद फिर बीच में लगातार उसमें काम चल रहा था, मतलब कि टाइमिंग के हिसाब से मैं पार्ट टाइम के हिसाब से ही करता हूँ, तो टाइमिंग के हिसाब से मुझे स्लॉट सवेरे मिल जाते थे दिन में, या छुट्टी वाले दिन मिल जाते थे तो मैं कर लेता था और अच्छा लग रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों अब लास्ट मेरा अभी 100 स्लॉट पूरे हो गए होंगे, मैं तो गिनती की नहीं, क्योंकि कंपनी के पास सारे आंकड़े, 100 स्लॉट पूरे हो गए, तो मेरे पास में बकाया कंपनी की तरफ से मैसेज आया, मेल आया, तो उसमें कंपनी ने मेरे को मतलब एक मैंने कहा ना आपको प्रोत्साहन के लिए, तो मैं प्रोत्साहित भी किया और कहा कि आगे भी आप मेरे साथ हमारे साथ में कहना जुड़े रहेंगे, हम आशा करते हैं हमारे साथ में इसी तरह से काम करते रहेंगे, तो आपको और भी कई बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो दूसरा मैसेज भी इसी तरह का आया जो प्रोत्साहित करने के लिए ही था, तो उसमें यही था कि अगर आप अपने फ्री टाइम के अंदर और इसमें एक्सपेंड करते हैं तो आपको पर स्लॉट 100 रुपये एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, ऐसा मेरे पास में एक मैसेज आया था, या आप उसमें फ्री टाइम पे इसमें एक्सपेंड करेंगे तो आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे स्लॉट के अंदर, तो मांग के लिए 250 का स्लॉट हो तो आपको 350 भी मिल सकते हैं, अगर 500 वाला स्लॉट हो तो आपको 600 भी मिल सकते हैं। तो वो मैं ये मेरे पास में आया मैसेज, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ और ऐसा हो सकता है कि मेरे जैसे और भी भाई होंगे जो कि लगातार मतलब कि पार्ट टाइम में कर रहे हो या फुल टाइम में कर रहे हो काम जो कर रहे हैं, उन्हें भी इसका बेनिफिट कंपनी ज़रूर देती होगी या उनको दे रही होगी, मैसेज करके मेल वेल उनके पास भी आते होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो खास करके उन दोस्तों के लिए जो बेचारे मेरी लास्ट वीडियो से थोड़ा सा उनको निराशा हुई होगी, क्योंकि जो बंदे काम कर रहे हैं उनको यहाँ पर अगर उस तरह का सिस्टम चल रहा होगा उन्हें मालूम पड़ ही गया होगा, लेकिन जो नए इनकी आईडिया एक्टिवेट है, उन्होंने अपने सारे काम कर दिए, उनकी आईडिया एक्टिवेट होने वाली होगी और सोच रहे होंगे कि उनकी एक्टिवेट है कि अभी हमने स्लॉट नहीं मारा
कम मारेंगे तो दिक्कत, कभी मेरी वीडियो लास्ट वाली देखोगे तो शायद महसूस हो गया तो भाई दिक्कत वाली बात हो रही है। तो आप निराश मत होइए, आप शुरुआत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर यह है कि थोड़ा सा तो परेशानी है, तो आने वाले कुछ समय के अंदर तो वो शॉर्ट आउट जरूर होगी, लेकिन आप काम शुरू कीजिए, कंपनी की तरफ से आपको प्रोत्साहन मिलता रहेगा, आपको निराशा होने की जरूरत नहीं है। और ये है कि काम में अपना थोड़ा सा तेज़ी आपको मिलानी पड़ेगी, कंपनी भी अपनी तरह से काम कर रही है, तेज़ी के लिए कोशिश में लगी पड़ी है। देखते हैं अभी ट्रायल चल रहा था ना, तो ये भी थोड़ा सा कितना लंबा जाएगा या परमानेंट हो जाएगा, तो ये भी कुछ दिनों में मालूम पड़ेगा, लेकिन जब भी ट्रायल हो रहा था ये एक्टिवेटिक ये आगे रेगुलर में होने वाला है, उसके लिए अपने आपको प्रिपेयर रखना पड़ेगा। तो आप इसके लिए निराश ना होइए, कंपनी आपको पूरी तरह से प्रोत्साहित कर रही है, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी देगी, एक्स्ट्रा पैसे भी देगी, तो आप अपने काम पर फोकस रखिए, चाहे आप पार्टनर में कर रहे हो तो फुल टाइम में कर रहे हो, लेकिन काम पर आपको फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। तो यही चीज़ है कि दोस्तों आप कोशिश करिए अपनी तरह से पूरी, कोशिश करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हो, चाहे कोई भी हो। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ इतना था कि मेरी लास्ट वीडियो से अगर कुछ दोस्तों को थोड़ी सी निराशा महसूस हुई हो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मैंने निराशा पैदा करने के लिए वीडियो नहीं बनाई थी, जानकारी के लिए देने के लिए वीडियो बनाई थी, और कुछ जानकारी का देने का मतलब ये था कि परेशानी जो रेगुलर जो काम कर रहे आ रहे हैं अभी तक उन्हें महसूस होने हो रही है, तो जो बेचारे नए बंदे आएंगे उन्हें तो कुछ और ज़्यादा ही महसूस होगी, क्योंकि उनको पहले दिन से ही कहना मैं उनके ऊपर प्रेशर आ जाएगा कि टाइम टेबल जो ख़राब हो रहा है। तो दोस्तों निराश मत होइए, आप काम पे करिए, कंपनी अपनी तरह से पूरी ध्यान रख रही है, फोकस कर रही है कि आप लोगों को जितने भी हम लोग राइडर हैं उनको क्या नाम है बेनिफिट एक्स्ट्रा भी मिल सके, लेकिन थोड़ा सा कंपनी की तरफ से भी दिक्कतें हो रही है, तो थोड़ी सी अपनी तरफ से कम तेज़ी लाने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि ये मामला बहुत नॉर्मली सॉर्ट आउट हो जाए और हो जाए ठीक। तो जैसा अगर होगा दोस्तों आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा ही, और आप लोग काम करें तो आपको बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं, वैसे जितने भी दोस्त हैं उन्हें अपना पता लग ही जाएगा जो भी कुछ होगा, लेकिन जो दिक्कतें हैं वो तो हैं, उसके लिए हम या आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कोशिश करेंगे तो सब कुछ ठीक होगा ही होगा। तो वही चीज़ है दोस्तों, निराश होने की जरूरत नहीं है, लास्ट वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी कि आपको जानकारी मिल पाए, जो नए हैं उनको भी और जो पहले से काम कर रहे हैं उनके यहाँ पर अगर इस तरह का सिस्टम शुरू हो गया तो उन्हें भी जानकारी मिल जाएगी, आने वाले टाइम में इस तरह की परेशानी हो जाती है तो अपने आप को तैयार रख सकते हैं, तो दिक्कत उन्हें ना महसूस हो। तो दोस्तों मतलब इसके लिए बारे में ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप काम पर फोकस कीजिए, तो कंपनी का फोकस आपके ऊपर है, नहीं कहना चाहता हूँ दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, अनवल टाइम को मैं आपको इसी तरह की दोस्तों और वीडियो मिलती रहेंगे देखने के लिए, और मेरे साथ में ऐसे ही दोस्तों जुड़े रहें, प्रोत्साहन मुझे भी करते रहें। तो दोस्तों मैं आपको सारी जानकारियाँ जिस तरह की मेरे को पता चलेंगी आपके हाथ दोस्तों शेयर करता रहूँगा। तो बस दोस्तों आज के वैसे भी इतने था, वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका दिल से धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और कीप स्माइलिंग, क्योंकि हंसते हुए काम करेंगे तो हंसते हुए ही ज़िंदगी बीतेगी। ठीक है दोस्तों, हैप्पी जर्नी, अमेजन प्राइम नाउ, थैंक यू।